अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे बिना नंबर सेव किए मैसेज को नहीं भेज पाए होंगे। जी हाँ गाइस, बिना नंबर सेव किए आप व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार के मैसेज को नहीं भेज पाते होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा, एक ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसके जरिए आप बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप से मैसेज भेज पाएंगे। जी हाँ गाइस, सिंपल सा तरीका बताऊँगा, आसान सा तरीका बताऊँगा जिसके आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप पे बिना नंबर सेव किए मैसेज को भेज पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, आज की इस वीडियो काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाले, इसलिए अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तो बने रहना वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको नीचे नीचे आएंगे कुछ इस प्रकार के होम पेज एप्लीकेशन का, इस प्रकार के देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दे के यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जस्ट नीचे आपको यहाँ पे चैट का बटन मिलता है। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे आ जाना है, यहाँ पे आपको उस बंदे का नंबर एंटर करना है जिस बंदे का नंबर नहीं सेव करना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड का बटन मिलता है। जी हाँ गाइस, जैसे आप व्हाट्सएप पे सेंड का बटन मिलता है, इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन में चला जाएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे सर्च लेगा, सर्च लेने के बाद डायरेक्ट उनके प्रोफाइल पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक सर्च लेता है तब तक आपको वेट करना होगा। तो उनके प्रोफाइल में मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ, जैसा आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से मैं उनके मैसेज को भेज पाएंगे डायरेक्ट। जी हाँ गाइस, यहाँ से मैं मैसेज को बड़ी आसानी से भेज पाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं उनके प्रोफाइल पे डायरेक्ट, उस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे। बड़ी आसानी से कुछ भी आप इससे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा आपने देखा दोस्तों, इसी प्रकार से आप बिना नंबर सेव किए आप इस बंदे के पास मैसेज भेज पाएंगे। सिंपल सा तरीका जो आपको बताया। दोस्तों ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको बड़ी आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर आप बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लोगो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बिना एप्लीकेशन के आप बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पे कैसे भेज सकते हैं, बिना एप्लीकेशन के बताऊंगा। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही वीडियोस में वो भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।